राधा स्वामी सत्संग परौर में निर्माणाधीन मेकशिफ्ट अस्पताल के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि संक्रमित लोगों के उपचार के लिए निर्माणाधीन मेकशिफ्ट अस्पताल में 256 बिस्तरों की व्यवस्था होगी और इसे जरूरत के अनुसार से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में संक्रमित लोगों को भी बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना में भी कोरोना संक्रमितों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो कुछ पाबंदियां लगी हैं उसे कोरोना संक्रमित की चेन को तोड़ने में सफलता हासिल हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए घर से निकलते समय मास्क पहने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ना जाए और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। परमार ने इस अवसर पर राधा स्वामी सत्संग परौर के संचालकों से भी बातचीत की और सरकार की ओर से सत्संग का स्थान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार प्रकट किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पिछले वर्ष भी कोरोना काल में सत्संग का अनुकरणीय सहयोग सरकार और प्रशासन को प्राप्त हुआ था और इस बार भी कोरोना संक्रमितों एवं अन्य स्टाफ को तीनों समय का भोजन उपलब्ध करवाने के सराहनीय कार्य के लिए सत्संग संचालकों का आभार प्रकट किया। इसमें संभावनाएं और भी आगे, ये 500 जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संक्रमण पिछले दिनों में बढ़ा है और जो पाबंदियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाई हैं उसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ होगा, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि इन पाबंदियों के कारण जो एक कोरोना की चेन है वो टूटना शुरू हो गई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। परंतु उसमें मैं जनता जनार्दन से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी इस महामारी से अगर निपटना चाहते हैं तो बेवजह हम नियमों का उल्लंघन ना करें। प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को हम पूरा सहयोग दें, हम मास्क लगाएं, हम भीड़ इकट्ठी ना करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आओ हम भी समाज से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सहयोग करे ताकि इस महामारी को हम हरा सकें और कोरोना मुक्त हो ये विश्व, उस दिशा में हम आगे बढ़ें, ये मैं कहना चाहता हूँ।